हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिपेट करना कितना सही है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सिपेट क्यों करें, सिपेट कितना सही है हमारे लिए। जैसे हम पॉलिटेक्निक करते हैं, फिर बीटेक करते हैं, ऐसे ही सेम सिपेट भी है। इसमें क्या है कि प्लास्टिक का प्रोसेसिंग करने के बारे में स्टडी कराया जाता है। सिपेट में प्लास्टिक को प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी कराया जाता है, और फिर से मैकेनिकल से रिलेटेड भी स्टडी कराया जाता है इसमें, फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड भी स्टडी होती है। सिपेट का स्कोप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप प्लास्टिक की कंपनी में, किसी भी प्लास्टिक के इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर सिपेट वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। कोई मैनेजर होगा, कोई GM होगा, या फिर कोई इंचार्ज होगा, या कोई कुछ लड़के फ्रेशर होंगे। तो किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे सिपेट के लड़के ज़रूर आपको मिलेंगे। तो सिपेट का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। बस यह एक प्लास्टिक से रिलेटेड है। इसमें सिविल मैकेनिक, सिविल इलेक्ट्रिकल, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है प्लास्टिक को प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। जो भी प्लास्टिक से हम यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसके लिए जो मोल्ड यूज होता है, उस मोल्ड को जैसे टूल रूम में होता है, CNC BMC लेथ, इन सब मशीनों के बारे में भी इसमें बताया जाता है। और डिजाइनिंग के बारे में जैसे कैड कैम होता है, इसमें ऑप्शनल रखा गया है, वो भी कराया जाता है सिपेट में। कि बहुत लड़कों का कमेंट्स आ रहा था कि सर सिपेट कैसा है, सिपेट का स्कोप क्या है, सिपेट में कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सिपेट है, इसमें आपको प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि प्लास्टिक का यूज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो 50 कंपनियों में आपको 30 से 35 कंपनियां बस प्लास्टिक की मिलेंगी। तो प्लास्टिक का इसको बहुत ही ज़्यादा है। सिपेट करने के बाद से अगर कोई भी बंदा हो, कितना भी वीक हो, लेकिन अगर सिपेट कर रहा है तो उसे जॉब तो उसे 100% मिल जाती है। कोई भी बंदा हो, उसे जॉब 100% सिपेट करने के बाद उस बंदे को मिल जाती है। अब आगे वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लास्टिक्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। जैसे हम बीटेक भी करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारी जॉब लगती है, कम सैलरी पे लगती है। तो बहुत लड़के ऐसा होते हैं कि उसमें कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि हम इससे अच्छा ये कर लेते हैं, तो बहुत लड़के ऐसे छोड़ देते हैं, और कुछ लड़के उसी में लगे रह जाते हैं। तो जो लगे रह जाते हैं वो आगे कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो बात यही है कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे सिपेट कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, उसमें आपको जॉब स्टार्टिंग में जो जॉब मिलती है वो आपको फ्रेशर टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फ्रेशर टाइम आपको फेस करना पड़ेगा, फ्रेशर टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कोई भी कोर्स करें, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, वो भी बुरा नहीं है। अगर बीटेक कर रहे हैं वो भी बुरा नहीं है, सीपेट कर रहे हैं ये भी बुरा नहीं है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में 1-2 साल प्लेसमेंट होने के बाद से 1-2 साल अगर आप काट ले रहे हैं, अच्छे से उसको फेस कर ले रहे हैं, कुछ अपने अंदर स्किल्स ला ले रहे हैं, तो आगे जॉब का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कि सिपेट 100% गारंटी लेती है आपको जॉब देने की। तो इसलिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कोर्सेज भी हैं, जैसे DPT है, DPMT है, और PGDPPT है, अलग अलग कोर्सेज हैं इसमें। आप इसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं अच्छे से इसके बारे में, क्या कैसे किस कोर्स में कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस भी आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर सिपेट को हम प्लेसमेंट के नज़रिए से देखें तो सबसे अच्छा प्लेटफार्म है सिपेट अदर डिप्लोमा से, जैसे चाहे पॉलिटेक्निक हुआ या बीटेक हुआ, इन लोगों से अच्छा है प्लेसमेंट के नज़रिए से अगर हम देखते हैं सिपेट को। तो सिपेट में 101% आपको जॉब मिल जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितने दिन तक करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो सिपेट प्राइवेट जॉब के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है,
यहाँ से आप आके स्टडी करें और स्टडी करने के बाद से आपको जॉब भी मिलेगी, वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को नॉलेजफुल बनाएं, स्किल्स अपने अंदर लाएं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं सीपेट के बारे में तो आप कमेंट कर लें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।